बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब का। क्वेश्चन है कि हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, क्या करें कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलें? डर लगता है? डर लगता ही नहीं लगता? मानो है तो डर लगेगा, अगर सेंस है तो डर लगेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इस क्वेश्चन के जवाब ऐसे देता हूँ, कंफर्ट जोन से कैसे निकलते हैं। एक बार एक मछली मारने वाला समुद्र के बीच में जाके मछली मार रहा था, और हमेशा समुद्र के बीच में जाके मछली मारता था, किनारे पे नहीं, अंदर में जाके मछली मारता था। जब अंदर जाके मछली मारता था तो बहुत मछलियाँ मिलते थे, बहुत पैसे कमाता था। एक दिन किनारे पे एक मछली मारने वाला बोला कि भाई एक बात बताओ, तू बीच में जाके मछलियाँ मारता है, ऑफ कोर्स तू बहुत मारता है, बहुत पैसे कमाता है, लेकिन तुमको डर नहीं लगता? बोले कि तुम्हारे फादर क्या करते थे? बोले मेरे फादर भी मछली मारते थे, समुद्र के बीच में जाकर मछली मारते थे, और एक दिन क्या हुआ कि बड़ा भयानक तूफान आया, समुद्री तूफान, और उसमें डूब के मर गए। बोला अच्छा। बोले कि तुम अकेले और भाई वाई भी हैं? तो नहीं, बड़ा भाई था, वो भी समुद्र के बीच में मछली मारता था, और एक दिन फिर उसके साथ मिस हैपनिंग हुई और वो भी डूब के मर गया। तो बोला कि अच्छा तुमको डर नहीं लगता? बोले एक बात बता, तुम्हारे घर में कोई मरा है? नहीं मरा आज तक, और हम श्योर हैं कि समुद्र में बीच में जाके नहीं मरा होगा, समुद्र में डूब के नहीं मरा होगा, लेकिन तुम्हारे घर में कोई मरा है? बोला हाँ। बोले कि एक बात बताओ, मरना जब निश्चित है कि हम मर जाएंगे तो हम काम करना क्यों छोड़ दें? मरना जब निश्चित है तो हम काम करना क्यों छोड़ दें? अगर कंफर्ट जोन इसलिए आपको अच्छा लगता है क्योंकि आपको डर लगता है रिस्क लेने से, और जब रिस्क लेना शुरू कर देते हैं कंफर्ट जोन, ऑटोमेटिकली आप बाहर निकल जाते हो, कंफर्ट जोन में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले कि जो कंफर्ट जोन जो बहाने में जीते हैं उन्हीं को कंफर्ट जोन रहता है, वो बहाने में जीते हैं, उनका बहाना है, बहुत बहाना है, लंबे लंबे बहाने। एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेटर बेस्ट करियर विदाउट पेन। इज इट पॉसिबल? नो, नेवर। इफ यू वांट टू हैव अ ग्रेट करियर यू हैव टू जस्ट टेक द पेन इन दैट रेशियो, इन प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन का पेन चाहिए आपको, उतने दर्द होना पड़ेगा, उतने दर्द सहना पड़ेगा, तभी जाके उतने बड़े सफलता मिलेंगे। इसलिए कंफर्ट जोन से निकलने के सबसे अच्छे तरीके हैं कि आप रिस्क उठाना शुरू कर दो। फ्रॉम टुडे आप शुरू कर दो। स्टूडेंट आते कहते सर इंग्लिश नहीं आती मुझे, सर हम इंग्लिश छूते तो डर लगता है, एकदम हमको अजीब लगता है, अब इसलिए मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी पढ़ता हूँ। भैया रिस्पेक्ट क्यों करते हो कि आप बराक ओबामा जैसे इंग्लिश बोलो, बिल गेट्स जैसे इंग्लिश बोलो, स्टीव जॉब्स जैसे इंग्लिश बोलो, फिर रिस्पेक्ट क्यों करते हो सिद्धू जैसे इंग्लिश बोलो? फिर रिस्पेक्ट मत करो। तो एक तो आपको सबसे पहले जब भी कंफर्ट जोन में रहते हैं तो उसमें बहाने होते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब देखो, ये रूम इसलिए है क्योंकि चारों दो तीन चार तरफ से दीवार है, अगर ये दीवार नहीं होता तो रूम नहीं होता। आप सिक्योर तो कर देते हो ताले मार के, और फिर बाहर झांकना चाहते हो, कैसे झांकोगे भाई? कैसे ऐसे शीशा लगा लेंगे? शीशा लगा के झांक तो सकते हो, लेकिन आप समझ रहे हो आप बाहर एक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कि आप जो कंफर्ट जोन की बात करते हो, समवन इज कमिंग, कंफर्ट जोन की जो बात करते हो वो कंफर्ट जोन इसलिए है क्योंकि आप क्या करते हो, क्या करते हो, एक बहाने बना कर रखते हो, और बहाना दीवार के रूप में आपके सामने होता है। क्या क्या बहाने हो सकते हैं आपके कंफर्ट जोन? सुन लो भाई, क्वेश्चन वाले तो तुम उधर देख रहे हो। कंफर्ट जोन के निकलने के लिए रहने के पीछे बहाने क्या क्या होते हैं
तो बहाने बहुत सारा होते हैं, और सबसे बड़ा बहाना होता है पेन, दर्द। उनको लगता है कि उनको बहुत दर्द होगा, वो निकलेंगे। अब जैसे सपोज करो कि मार्केट में जाके कोई सामान लाना हो, और अभी हम एसी में बैठे हुए हैं, तो हम सोचते क्या हैं, बाहर जाएंगे बहुत धूप लगेगा, छोड़ो बाद में जाएंगे, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सामान हमारे पास आ जाए। इज इट पॉसिबल? नो। तो आपको सबसे पहले कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए सबसे पहला काम करना है बहाने को असाइड करना है, और बहाने असाइड नहीं हो सकते। आज मैं जो क्लास लेके आया हूँ वो क्लास बड़ी मजेदार है, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा जब मैं बोलूँगा कि मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले तुमको बता दूँ, जितने लोग ये सोचते हो कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मेरे को दिक्कत होती है, वो लोग सब लोग अपने आप को एक चीज़ समझ लो, उसको पेन लेना होगा, और जितने ज़्यादा पेन आज झेलोगे उतने कल इंजॉय करोगे, जितने कष्ट आज झेलोगे उतने बड़े इंसान बनोगे, जितने कष्ट आज परेशानी होगी या कष्ट होंगे उतना ही बड़ा करियर होगा, ये पहले दिमाग में बैठा लो, बस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओगे। जब उसके बच्चे सामने होते हैं तो उसको बहुत सुकून मिलता है, बट उसको पैदा करने में जो उसको पेन होती है, पता है उसको सुकून क्यों उतना ज़्यादा मिलता है? क्योंकि उसको उसी प्रोपोर्शन में उसने पेन भी सही होती है। लोग कहता है ना कि फादर से अटैचमेंट कम है, क्यों? क्योंकि जो पेन माँ सही होती है वह पेन के प्रोपोर्शन में उसको क्या मिलता है? खुशी मिलती है, उसको लगता है नहीं हमने अचीव करा है। तो हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि जब भी पेन होगा उसके बाद नेक्स्ट मज़ा आने वाला है, नेक्स्ट लाइफ को तुमको बड़ी सुकून से, बड़ी राहत से, बड़े मजेदार जीने वाले हो। अगर धीरूभाई अंबानी पेन नहीं लिए होते तो आज रिलायंस नहीं होता, आज मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे बड़ा घर में नहीं रहता, सबसे बड़ा कीमती घर में नहीं रहता। तो सबसे पहले पेन लेना होगा। आप पेन लेने का मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से निकलिएगा और जाके दीवार में सर पटक लीजिएगा, कहे सर आपने बोला था पेन लेने के लिए हमने ले लिया, या ट्रक के सामने जाके लटक जाइएगा, टकरा जाइएगा, कहिएगा कि नहीं सर आप तो बोले थे पेन लेने के लिए, हाथ पर तोड़वा लिया। नहीं, पेन लेने का मतलब कि आप जो काम कर रहे हो उस काम में दर्द होता है, रिस्क लो, कैलकुलेटिव रिस्क लो। एक और भी चीज़ है, कैलकुलेटिव रिस्क बहुत जरूरी है। रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क में थोड़ा सा अंतर है। रिस्क का मतलब हुआ कि हम ट्रक के नीचे आ जाएंगे, कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब हुआ हम ट्रक को पास करेंगे, ट्रक के नीचे आएंगे नहीं। दोनों में अंतर है। तो आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, और जब रिस्क लेंगे पेन होगा, फिर आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, और यही एक तरीका है जिससे हम कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं।